15 क्वेश्चन में हमारे पास y इक्वल टू टेन इनवर्स 5x अपॉन ए स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर. मुझे लगता है ये थोड़े से अब आने वाले क्वेश्चंस की कैटेगरी में है. आप देखो इनवर्स किसका है, 10 का, तो हम चाहेंगे अंदर फॉर्मूला बने 10 का. अगर 10 का फॉर्मूला बनाना चाहते हैं तो इस कोने पे क्या होना चाहिए. अजीब सी अप्रोच है पर अभी तक कभी फेल नहीं हुई. तो 1 बनाने के लिए क्या करें हम, ए स्क्वायर से हमने डिवाइड करा. तो आप देखो ये क्या हो गया, 5ax अपॉन ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए से कैंसिल हुआ ए, तो बन गया हमारे पास टेन इनवर्स 5x अपॉन ए और 1 माइनस 6x स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर. ठीक है, अब देखिए कितने अच्छे तरीके से ये एडजस्ट होने वाला है. इसे लिखा 3x अपॉन ए, इसे लिखा 2x अपॉन ए, नीचे बन गया 3x अपॉन ए, इनटू में बन गया 2x अपॉन ए. टेन इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई फॉर्मूला होता है आपका टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का. तो आपके पास y इक्वल टू आ गया टेन इनवर्स 3x अपॉन a प्लस टेन इनवर्स 2x अपॉन a. अब करना है दोनों साइड्स का डिफरेंशिएशन, तो dy by dx आया और अब डिफरेंशिएशन हम करेंगे टेन इनवर्स 3x अपॉन a के साथ d अपॉन dx ऑफ टेन इनवर्स 2x अपॉन a. आप देखो टेन इनवर्स x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किस का, बॉक्स का मतलब 3x बाई a का. ये बन गया टेन इनवर्स x क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डिफरेंशिएशन किस का बन गया, बॉक्स का. आप देखो x का डिफरेंशिएशन कितना, 1, तो ये हो गया 3 अपॉन a के साथ 1 प्लस 9x स्क्वायर के साथ a स्क्वायर, और वहाँ आया 2 अपॉन a के साथ 1 अपॉन 1 प्लस 4x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर. ठीक है, चाहो तो एलसीएम ले लो, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाएगा.